हेलो दोस्तों, एवल रिंगमा में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको पबजी के बैन के पीछे की सारी बातें बताएंगे कि पबजी का बैन लिस्ट में नाम क्यों आया और अब ऐसा क्या हुआ कि पबजी बैन नहीं होगी। अभी हाल ही में 1 जुलाई को भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स बैन करी थी। फिर बात आई कि और 250 चाइनीज ऐप्स बैन होगी जिसमें पबजी का भी नाम था। दोस्तों, पबजी मोबाइल इंडिया में सबसे पॉपुलर मोबाइल गेम है। 2017 में आई गेम 74 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुकी है, जिसमें से 24% यानी 17.5 करोड़ इंडिया में डाउनलोड हुए हैं और रोज यहां 1.5 करोड़ लोग पबजी खेलते हैं। लॉकडाउन पीरियड के बाद ये नंबर और बढ़ गया है। 2020 में पबजी मोबाइल ने 9731 करोड़ कमाए हैं और लाइफ टाइम का कलेक्शन इनका 22750 करोड़ हो गया है। इंडिया से कलेक्शन रोज 20 लाख का होता है, यानी महीने का 6 करोड़। ये प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया का पैसा निकल कर चाइना जा रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1.5% प्लेयर ही पेमेंट करते हैं। दोस्तों, पबजी पूरी तरह चाइनीज नहीं है, इसलिए आज तक इसको बैन करने की बात नहीं आई। पबजी गेम जो पीसी में सबसे पहले आई थी वो ब्लू होल ने बनाई थी। ब्लू होल एक साउथ कोरियन गेमिंग कंपनी है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और लाइसेंसिंग का काम टेंसेंट गेम्स के पास है। ये गेम इतनी पॉपुलर हो गई कि टेंसेंट ने ब्लू होल के साथ पार्टनरशिप करके इसका मोबाइल वर्जन डेवलप करा और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टेंसेंट होल्डिंग्स के पास है। ब्लू होल कंपनी की 1.5% ओनरशिप टेंसेंट होल्डिंग्स की है, लेकिन ब्लू होल ही गेम को मैनेज करती है और इसी मिक्स्ड ओनरशिप की वजह से आज तक बैन लिस्ट में पबजी मोबाइल का नाम नहीं आया। दोस्तों, पबजी मोबाइल तो खुद चाइना में बैन है। जी हाँ, सही सुना आपने, पबजी मोबाइल चाइना में नहीं है। चाइनीज सरकार के रूल्स के अनुसार गेम में काफी खून खराबा और लड़ाई है, तो इसी की वजह से टेंसेंट ने इसका मॉडिफाइड वर्जन चाइना में निकाला हुआ है, जिसका नाम है गेम ऑफ पीस। ये गेम पबजी के कॉन्सेप्ट पर ही है, लेकिन वो बैटल वाली बात नहीं है जो पबजी में देखने को मिलती है। इंडिया में भी न्यूज आती रहती है कि बच्चे दिन में 10 से 12 घंटे गेम खेलते हैं। उनके माँ बाप परेशान होते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, ये उनको गुस्से वाला बना देती है। बैठे बैठे ये शरीर को नुकसान पहुंचा रही है और कई लोगों की तो खेलते हुए मौत भी हो गई है। अगर पबजी बैन भी होगी तो मेन रीजन ये नहीं होगा कि ये हानि पहुंचा रही है। आखिर इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और सबको अपनी फ्रीडम है अपने डिसीजंस लेने की। दोस्तों, उन 59 ऐप्स के बैन होने का कारण था कि वो बिना परमिशन के पर्सनल डाटा कलेक्ट करते थे, और अब पबजी बैन होने की बात इसलिए आई क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार टेंसेंट ने पॉलिसी एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है और इंडिया को सिक्योरिटी की चिंता है। ये जो सिक्योरिटी की बात आई है, इसका रीजन भी हम आपको बता देते हैं और इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसा हमने पहले बताया कि इंडिया के सिर्फ 1.5 पबजी प्लेयर्स ही है गेम में जो पैसा खर्च करते हैं, और बाकी कंट्रीज में ये नंबर ज्यादा है। गेमिंग इंडस्ट्री में कहते हैं अगर ऑनलाइन गेम्स को अच्छा प्रॉफिट निकालना है तो एटलीस्ट 5-6% पेइंग प्लेयर्स होने चाहिए। पबजी वैसे तो ओवरऑल बहुत कमाती है, लेकिन इंडिया उसके लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी। फायदेमंद इसलिए क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी प्लेयर्स हैं और इसका वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे गेम फेमस होती है। अगर ये प्लेयर्स ना हो तो गेम अनपॉपुलर होने लग जाएगी। अब नुकसान ये आता है कि 1,47,00,000 यूजर्स जो रोज फ्री में खेल रहे हैं, ये पबजी की कमाई कम करता है, क्योंकि गेम में कोई एड्स नहीं है जिससे वो पैसा कमा सके, और इतने प्लेयर्स को अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए सर्वर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसमें बहुत साधन और पैसा लगता है। टेंसेंट गेम्स जो इंडिया से हर महीने 7-8 मिलियन डॉलर कमाता है, उसका 30% गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को जाता है। फिर जो आता है उसका मेजोरिटी हिस्सा पबजी कॉर्पोरेशन यानी ब्लू होल को जाता है और बचा हुआ 10 सेंट का होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार वो करीब 10,00,000 डॉलर होता है, जो टोटल रेवेन्यू से काफी कम है। पबजी का गेम वाला हिस्सा तो ब्लू होल के द्वारा मैनेज होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और लाइसेंस 10 सेंट होल्डिंग्स के पास है। उन लाइसेंस एग्रीमेंट को हर प्लेयर एक्सेप्ट करता है। और सिक्योरिटी की बात अब आई कि टेंसेंट गेम्स को अपनी कमाई बढ़ाने के लिए यूजर डाटा की जरूरत पड़ेगी। वो यूजर्स का डाटा कलेक्ट करके थर्ड पार्टी कंपनीज को बेचेंगे और इसमें कोई ऐप स्टोर का कमीशन नहीं होगा और ना ही ब्लू होल के साथ कोई शेयरिंग होगी। पूरा डायरेक्ट करोड़ों लोगों का डाटा बेचकर टेंसेंट होल्डिंग्स प्रॉफिट कमाएगी, जो चाइनीज कंपनी है। इसी डाटा कलेक्शन की वजह से चाइनीज ऐप्स बैन हो रही हैं। दोस्तों, एक कहावत है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। और अब ऑफिशियल न्यूज आई है कि पबजी का बैन कैंसिल हो गया है और इंडिया में गेम चलती रहेगी।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गेम के लेटेस्ट अपडेट में PUBG ने इंडिया के लिए अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर दी। इंडियन यूजर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डाटा कलेक्शन अब बंद हो गया होगा और लगता नहीं कि अब PUBG वाले फिर से कोई चालाकी करेंगे डाटा चुराने की। वो इंडियन प्लेयर्स को खोने का रिस्क नहीं ले सकते। इससे आप समझ ही गए होंगे पूरा खेल।